साइंस इन चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेट्स गो थ्रू द सेकंड पॉइंट. पॉइंट नंबर 13.2 द पॉइंट सेज अस दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर बेस्ड ऑन इट टू एक्टिविटीज कैन बी अकर. एक्टिविटीज नंबर 13.4 एंड 13.5. लेट्स सी इज सी इन द केस ऑफ कंपास नीडल when the current can be passed and when we change the direction of the current. See, आपको ये दोनों फिगर है उस पर कॉन्सनट्रेट करना है. See here, जब हम करंट पास आउट करते हैं, करंट प्लस टू माइनस है, तो जो नीडल डिफ्लेक्ट करती है उसको स्टडी करना है. एंड व्हेन वी रिवर्स द करंट द डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल कौन सा है ये हमें ऑब्जर्व करना है. तो कंक्लूजन क्या है बेस्ड ऑन एक्टिविटी नंबर 13.4. When we change the current, the deflection of deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reverse. देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है. द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स. इन द केस ऑफ एक्टिविटी नंबर 13.5 क्या कर रहे हैं हम, टेक अ बैटरी सपोज 12 वोल्ट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एन ए मीटर जो 0 to 5 तक इंडिकेट करता है, अ प्लग की कनेक्टिंग वायर्स एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिकर कॉपर वायर. इतना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं कार्डबोर्ड पे क्या है तो के इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड. टेक केयर दैट द कार्डबोर्ड इज फिक्स एंड डू नॉट स्लाइड अप और डाउन. कार्डबोर्ड को फिक्स करना है. कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली. वर्टिकली ऐसे कनेक्ट करते हैं बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई. जैसे फिगर भी साथ में ड्रॉ करते जाएंगे. देखो इनकी सो एक्टिविटी नंबर 13.5 यहाँ पे जो पैटर्न है वो देखो कैसे अरेंज है राउंड शेप में. और जो डायरेक्शन है वहाँ पे सपोज एक पॉइंट रखा है कैपिटल पी. टेक अ स्ट्रेट वायर
and give the points x and y. Take variable resistance, ammeter, सपोज 12 वोल्ट की बैटरी ली है यहाँ पे, और एक प्लग की कनेक्ट की है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एमीटर बैटरी प्लस माइनस टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ द वायर. सी फिर क्या करना है, तो फिर जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द आयन फीलिंग जो जैसे हमने पहले रखी थी पहले प्रैक्टिकल्स में, मगर जैसे दूसरे प्रैक्टिकल में रखी थी ऐसे ही यहाँ पे आयन फीलिंग रख देनी है कार्डबोर्ड पे. स्प्रिंकल सब आयन फीलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. कीप द वेरिएबल ऑफ द रिहोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजिशन एंड नोट द करंट थ्रू द ए मीटर. क्लोज द की सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द वायर. एंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट. वर्टिकली स्ट्रेट हो ऐसी केयर रखनी है. फिर क्या करना है, जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ आयन फीलिंग्स. यू वुड फाइंड दैट द आयन फीलिंग अराइंड देमसेल्व्स शोइंग द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. देखो जैसे फिगर ड्रॉ की है वहाँ दिख रहा है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अराउंड द कॉपर वायर. यहाँ पे हम लिखते हैं द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर. अब क्या किया है यहाँ पे, प्लेस अ कंपास एट द पॉइंट सपोज पी. यहाँ पे कोई पॉइंट है वहाँ पे सपोज कंपास रखा हुआ है ओवर अ सर्कल. ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल. फिर उसकी नीडल का क्या करना है, डायरेक्शन ऑब्जर्व करना है. द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट द पॉइंट पी. सो द डायरेक्शन बाय एन एरो. सी यहाँ पे जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे क्या करेगा, तो इंडिकेट करेगा जो हमने डायरेक्शन दिया है वैसे. यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर becomes larger and larger as we move away from it. देखो यहाँ से जैसे हम दूर होते जाएंगे तब ये कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स हैं वो लार्ज होते जाएंगे, larger and larger. स्ट्रेट वायर become
larger and larger. As we move away from it. यहाँ पे फिगर क्या इंडिकेट करती है वो भी लिख लेते हैं. अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटेड द फेम indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. Straight conducting wire. The pattern of concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. यहाँ पे जो एरो दिया है वो फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है. द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन. बिहाइंड दिस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी और प्रैक्टिकल एक्टिविटी 13.4 एंड 13.5 वी गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल फॉर इट एंड इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड रूल. यहाँ पे क्या है देखो, पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, परफेक्टली हैंड ड्रॉ करना है. यहाँ पे थंब ड्रॉ करना है. राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट सेस अस दैट इमेज दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड. करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड में लेना है. थंब आपको ऐसे रखना है जहाँ का डायरेक्शन हो वो करंट का डायरेक्शन हो.
होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पे सपोज एक वायर है, कंडक्टर है, इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टॉवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को क्या कहाँ रखना है, थंब पॉइंट्स टॉवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. देखो, the fingers shows magnetic field lines. This is called राइट हैंड थंब रूल। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कोई वायर लेना है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, उसको आपको क्या करना है, यहाँ से पास आउट करना है। यहाँ से जो वायर पास आउट होता है तो थंब आपको कहाँ पे रखना है, थंब है वो आपको जहाँ पे करंट हो उसके डायरेक्शन में रखना है। ऐसा रखोगे तो ये जो फिगर रैप होती है, फिंगर होती है, वो जो डायरेक्शन दिखाएंगी, इट शोस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। सो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो एक्टिविटी नंबर 13.4, एक्टिविटी नंबर 13.5 एंड द क्वेश्चन विल बी अराइज इन 2 or 3 marks, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल एंड द क्वेश्चन अराइज इन डिफरेंट वे। द क्वेश्चन इज सीधा आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो, नेम एंड स्टेट द रूल विच डिटरमाइन the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor also draw diagram। अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन आए और क्वेश्चन इज अराइज इन दिस वे, इट इज कॉल्ड नेम एंड स्टेट द रूल विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। तब आपको क्या करना है, तब आपको राइट हैंड थंब रूल है एक्सप्लेन करना है। ऐसा इमेज करना है कि सपोज हमने कोई कंडक्टर लिया है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और तब हमने थंब कहाँ रखा है, करंट के डायरेक्शन में।
अगर ऐसा करेंगे तो हमारी फिंगर जो रेप होगी वो क्या इंडिकेट करेगी? इट इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल।